मोहम्मद हुरैरा कल ने अच्छी T20 बैटिंग की थी और ये पुल शॉट खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से। टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान सीनियर का भी इम्तिहान है। और किनारा लगा, दूसरी स्लिप में कोई फील्डर नहीं था, गेंद वहीं से चली। खूबसूरती के साथ कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक और बाउंड्री आ जाएगी मोहम्मद हुरैरा के लिए। ओ, अच्छी डिलीवरी, सीधी बूट पर लगी और जाना होगा यहाँ अंतुम को। सलमान मिर्जा ने ये बिल्कुल लेजिटिमेट डिलीवरी थी और टेल इन हुआ ये बॉल, क्रीज में खड़े खड़े खेलने की कोशिश की और ये बड़ी कामयाबी दिलाई है सलमान मिर्जा ने। बॉल तो जबरदस्त था लेकिन टेक्निक बड़ी फ्लॉट थी, लेकिन अब की बार उतनी ही उम्दा टेक्निक आगा सलमान की। खूबसूरती के साथ दो फील्डर्स के दरमियान से इस गेंद को खेला 4 रन के लिए। बल्लेबाज को खोने के बाद और ये बल्ला इन्वॉल्व था, दो आवाजें सुन ली थी अंपायर आसिफ ने, इससे जल्दी उन्होंने मुत्तला किया इशारे से मिर्जा को किसी स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 रन मिल जाएंगे थर्ड मैन की जानिब, निकाला है इस गेंद को। अच्छा बैकफुट पंच, गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गई 4 रन के लिए। मरतबा फिर कट किया, एक मरतबा फिर गेंद चली है गैप में और एक मरतबा फिर बाउंड्री मिल जाएगी स्टेट बैंक और मोहम्मद हुरैरा को। अच्छा पुल शॉट और उतनी अच्छी प्लेसमेंट भी, लॉन्ग ऑन। एक और शानदार, इस बार कवर ड्राइव था। हवा में खेल बैठे हैं, हवा में खेल बैठे हैं जी। फील्डर ये कैच ले लेंगे, बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे और बैट्समैन ने इसको खड़े खड़े ऊंचा खेलने की कोशिश की, मिस इट हुई और मिड ऑन पर एक वेल जज कैच आई वुड से इन द एंड। ओ, एक बार शानदार डिलीवरी, प्लेसमेंट कमाल की है, कमाल की प्लेसमेंट है। 4 रन हासिल करेंगे सलमान अली आगा करनी है। आगे सलमान अली आगा है जिन्होंने खेल दिया है थर्ड की जानिब 4 रन के लिए। ओ, ये क्या था, ये कहां से था, ये कैसे था, यही सवाल है सलमान अली आगा का। अंपायर की तरफ देख रहे हैं, नो बॉल हो सकती थी, जानते हैं कि कैसे रोकना है। और इस बार ये एरी फेरी शॉट थी, टॉप एज लगा है, सटपट दौड़ते हुए फील्डर गेंद के पीछे गए लेकिन गेंद उनसे बहुत दूर, आगे काफी निकल गए थे। इस बार फिर ट्राई किया और ये खात्मा हुआ है रमीज का। और साजिद तजर्बाकार हैं, वो उतार चुके थे कि साजिद की कमजोरी क्या है, कहां इन्हें गेंद फेंकनी है। डाल के रखा हुआ है साजिद खान ने रमीज पे, ये रिलीज शॉट है, इसे पहले भी इन्होंने मारी, उसमें वो किस्मत इनका साथ दिया। प्लेसमेंट की सेंस रखते हैं। अब ये देखिए, ये अच्छा तरीका था मेरे ख्याल में टू टेक द स्ट्राइक। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये दोनों प्लेयर्स ज्यादा देर तक रुके, सीधा खेले, खूबसूरती के साथ खेले। लॉन्ग ऑन पर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 6 रन मिल जाएंगे। एक बार तो फिर कदमों का इस्तेमाल किया, अब की बार एक्स्ट्रा कवर रीजन का इंतखाब किया और इस बाउंड्री के साथ 100 रन मुकम्मल हुए स्टेट बैंक के 11वें ओवर में। उस टीम को बड़ा सहारा दिया सलमान अली आगा ने अपनी बारी से, निकाल दिया दो फील्डर्स के दरमियान से, 4 रन मिल जाएंगे। इरफान खान न्याजी आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ मूड में दिखाई दे रहे हैं और ये गेंद आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर और ये ड्राइव किया गेंद सीधा कवर फील्डर के हाथों में। ड्राइव करने गए लेकिन गेंद को फील्डर के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। कश्ती को आगे लेकर जाएं और भंवर से निकालें, कट किया खूबसूरती के साथ सलमान अली आगा का बड़ा डिलाइटफुल ड्राइव और 4 रन दिला गया यहां पर सलमान अली आगा और स्टेट बैंक को। और इसी तजर्बे का भरपूर अंदाज से मुजाहरा किया, लेंथ को खींचा लेकिन सिंगल के साथ सलमान अली आगा ने अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल की, 37 गेंदों का सामना किया। इमरान खान सीनियर आ गए हैं, इनको फ्लिक किया ऑन साइड में, फील्डर बिल्कुल इसी किस्म की शॉट के लिए तैनात थे और सलमान मिर्जा ने एक निस्बतन आसान कैच लेकर बड़ी अच्छी इनिंग्स का खात्मा किया सलमान अली आगा की। अच्छी और बड़ी कामयाबी दिलवाई है कप्तान ने, जैसे ही इमरान खान सीनियर को बुलाया उन्होंने फौरी तौर पर ये बड़ी कामयाबी दिलवाई।
लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी, इससे जल्दी ही अंपायर ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। वो जो कप्तान की कॉल थी उसको सही उन्होंने साबित किया है, 5 विकेट लेकर ज्यादा रन ना देकर। लेकिन इस बार कैप्शन है क्या मैंने जिक्र किया, पुल, लेकिन उसमें नाकामी और इस तरह इमरान अपने विकेट खो बैठे। सलमान को कामयाबी हासिल हुई। एक और जगह से देखिए, खड़े खड़े पुल करने की कोशिश की, अंदरूनी करार लगा बैट का, गेंद सीधी जाके स्टंप्स के ऊपर लगी। इस तरह एक और विकेट गिरी, इमरान रंधावा बोल्ड सलमान 8 रन का हिस्सा है। यहाँ कोई बुलंदोबाला यहाँ स्ट्रोक्स की जरूरत है। ये उम्दा स्कोर ड्राइव किया काशिफ भट्टी ने, पहली गेंद पर मौजूद है। इसके अलावा टेनिस खेलने के लिए भी खिलाड़ी आते हैं। तो ये 4 रन, इस बार स्लो डिलीवरी की, बल्लेबाज से दूर की और ये विकेट का मौका। जब कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन जब आप सोचते हैं, सोचते चले जाते हैं और आप पर प्रेशर डेवलप होता है कि कैच ड्रॉप ना हो जाए, कहीं ऐसा वैसी बात ना हो जाए, और ऐसे ही हुआ, अपना बैलेंस लूज कर गए। ये अच्छी हिट लगाई, इस बार भरपूर कुवत वाला शॉट था काशिफ भट्टी का। एक और उम्दा शॉट, गेंद फ्लैट गई एक टिपे पर, और ये कॉट बिहाइंड। यहां हिसाब बराबर कर दिया मुनीब ने 2 चौके लगने के बाद। जो आगे पड़ी हुई गेंद थी उनको तो ठीक खेल रहे थे, लेकिन यहां पर जैसे ही गुड लेंथ या वो जो एरिया है, अनसर्टन एरिया होता है, उस कॉरिडोर में जब गेंद की मुनीब ने, तो कोई मेरे ख्याल में पोजीशन नहीं थी काशिफ की। स्ट्राइक किया इसे सीधा हाथों में, उम्दा कैच लिया लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने, और इमरान को बिल आखिर विकेट हासिल होगी। ईशान को जाहिर के समझ जाना चाहिए था कि T20 क्रिकेट है, इसमें पूरी ताकत लगानी होती है, छाती का, बाजू का, कदमों का पूरा इस्तेमाल करना होता है बाउंड्री को क्लियर करने के लिए। ये नाकाफी कोशिश थी, और अपनी इस कमजोर कोशिश के बायस अली शान अपने विकेट खो बैठे। और ये भी गेंद सिर्फ ऊपर चली गई, मुनीब वासिफ इसके नीचे आ जाएंगे, और उन्होंने बड़ा उम्दा कैच लिया, जो कि कतई आसान नहीं रहता क्योंकि फ्लड लाइट्स खासी लो हैं। अपने आप को इस पोजीशन में ले आए कि आपकी जो फोर्स है वह पूरी कन्वर्ट हो जाए बैट पर, और उस जगह पर जहां पर खेलना जाना, गेंद को खेलना आप चाहते हैं, वो इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। ऐसा था नहीं, खड़े खड़े एक कैरी फेरी शॉट जिसे हम कहते हैं आए बाएं शाएं किया, वो बाउंड्री पर हैं, उनको सीधा किया गया। लेकिन ये गेंद जो है ये खड़ी हो गई है सीधी, और फिर से गई मुनीब वासिफ के पास, जो बेहतरीन फील्डर हैं। एक और कैच और इनिंग्स तमाम हुई इस तरह स्टेट बैंक की 165 पर। और गेंद ने जिस तरीके से टप्पा पड़ने के बाद एक हाइट ली, वो जाहिर है कि इनको डिसीव कर गई, थिक आउटसाइड एज था, ऊपर गई गेंद, और फिर सेफ हैंड थे, महफूज हाथ थे मुनीब के, और इस तरह 165 पर ढेर हो गई स्टेट बैंक की टीम। ढेर हो गई कहना होगा, एक बड़ी टीम है।